नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज मैं बात करूंगा, क्या आप भी परेशान हैं कि आपकी लंबाई जो है वो एक बे में रुक गई है और आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो मैं आज कुछ ऐसी आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जिसका आप प्रयोग करके आप अपनी लंबाई को आसानी से बढ़ा सकते हैं और जो आपके सपने हैं आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए एक सीधा सा और अच्छा सा एक मेडिसिन जो है हमारे आयुर्वेद में उपलब्ध है। आपको क्या करना है, आपको एक अश्वगंधा नाम का एक पाउडर आता है, उस पाउडर को लेना है और रात्रि के समय सोने से पहले आपको उस पाउडर का प्रयोग करना है दूध के साथ में। गर्म दूध एक गिलास आप लीजिए, उसमें एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर को मिला के आप प्रतिदिन इसको यूज़ करिए और आप देखेंगे कि 30 से 45 दिन के बीच में आपको साफ फर्क नज़र आने लगेगा। क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है, अगर इसको आप करते हैं तो आपको 100% आपको जो है रिज़ल्ट देखने को इसका अच्छा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, हमारे मसल्स और हमारी बोन में जब डेंसिटी की वजह से प्रॉब्लम आती है तो लंबाई बढ़ना कम हो जाती है। देन अगर आपकी लंबाई पूर्ण रूप से नहीं बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आपको पूरे शरीर, हमारा पूरा शरीर है एकदम फिट रहता है और जिसकी वजह से मेरे शरीर में एक्टिवनेस आती है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें प्रतिदिन। क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी हमारे में योग है, योगासन है, जिसको करने के बाद में आप शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी बिल्कुल फिट रहेंगे और आपकी लंबाई में भी ग्रोथ होगा। क्योंकि ये आसन, ये आप मान लीजिए कि ये आसन नहीं है, एक प्रकार की चिकित्सा है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। जो कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करता है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ में उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी नहीं आएगी। जिन लोगों को आज की डेट में अधिक से अधिक प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ व्यायाम की वजह से हो रही है, क्योंकि हम लोग अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या जिस तरीके भी कर रहे हैं उसको त्यागिए, आप थोड़ा योग की तरफ बढ़िए और ध्यान रखिए कि आप योगासन अवश्य करें। थैंक यू।